nervous, on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिलहाल मैं आया हूँ कल में आज सतर में, और आज का प्लान ऐसा बना कि मतलब अभी बारिश भी है तो अभी आज हम जा रहे हैं केरवी वाटरफॉल। लगभग सतर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है, तो अभी हम 6 जने 3 बाइक है, देखते हैं कैसे रहता है। और फिलहाल अभी तक बारिश नहीं है, बट आई थिंक सो बारिश होगा तो फुल इंजॉय करेंगे वहाँ पे। आप स्टे ट्यून्ड। My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. So guys, फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुके उड़मुड़ डैम का व्यू देखने के लिए, और अपना जो स्पॉट है वो आगे। I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. हमने मैगी लाई, बट हमने मैगी के लिए सब टोटली पूरा सामान लाया है, बट बेस मेन जो जिसपे जलने वाला है वो ही नहीं लाया कुछ। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो स्पॉट है ना, काफी नेक्स्ट लेवल स्पॉट है, और आगे जो दिखने वाला है ना आपको एकदम नेक्स्ट लेवल व्यू है। तो गाइस, रास्ता देखो ऐसा छोटा सा फुल ज़िगज़ैग रास्ता है, तो काफी मजा आने वाला है। और ये एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम मैं हार्ड टाइम बोलता हूँ अपने वीडियो में, एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस मतलब ये। इसमें हम अपने ट्रिप पे आए एंड फर्स्ट टाइम हम मैगी बनाएंगे, तो काफी नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। एंड हम कौन से गांव में आए, यहाँ पे देखो पूरे पहाड़ के ऊपर गांव है छोटा सा। एक जन ने बोला कि वहाँ पे आपको गाड़ी लगानी है एंड वहाँ से आपको 1 किलोमीटर तक आगे चलते जाना है पूरा रिवर क्रॉसिंग है। ये भी एक्सपीरियंस सुखी लकड़ी मिली हमको, किसकी से पता नहीं, क्योंकि कोई दिख रहा भी नहीं यहाँ पे, तो हमें थोड़ा लिया है मैगी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बारिश नहीं थी, बट बारिश खूब जोर से चालू हो गई अभी। एंड टांबरी रास्ता जो था पूरा खत्म हो गया, देखो पूरा मट्टी का चिक्कड़ है पूरा, अभी पूरी लाल लाल मट्टी है लाल। गाइस, हमको दिक्कत है क्या आ रही है यहाँ, सिर्फ मतलब दो दो रास्ते बहुत सारे यहाँ पे, समझ में नहीं आता राइट टू या लेफ्ट लो। वैसे हम राइट लेफ्ट करते करते हम 10 किलोमीटर आगे चले गए, तो आपको डर नहीं होता है। रास्ता देखो पूरा वर्स्ट है, वर्स्ट होता जा रहा है, पूरे पत्थर ही पत्थर है, देखो लाल है, सिर्फ लाल ही लाल। टेबल लैंड और गाइस देखो यहाँ पूरे ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे। सो देखो अभी इतना अच्छा रास्ता था यहाँ पे, अभी और रास्ता यहाँ पे खराब हो रहा है। गाइस नेचर देखो फुल ऐसे मतलब पॉट तक ऐसे दिख रही है पूरे ऊपर तक है, झाड़ लगाए भी गए कुछ नहीं, गाइस सब नेचर है। गाइस पूरा जंगल है, ऐसा लग रहा है कि अभी अगर हमने गूगल में सर्च भी करें ना व्हाट इज आवर करंट लोकेशन, आई थिंक वहां पे भी दिखाएंगे यू आर इन हेवन राइट नाउ। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ओ भाई साहब, एग्रीकल्चर दिस इज कॉल्ड। सीरियसली दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मतलब इतने अंदर यहाँ पे पब्लिक रहती है, पता नहीं स्कूल वगैरह का इनका कितने पीसफुल में रहते। देखो ना गाइस, यहाँ पे घर है, सामने पूरी उनकी फार्मिंग, आई थिंक सो चावल लगा है पूरा है, और सामने ही नेक्स्ट लेवल व्यू। वो तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है एंड यहाँ से आई थिंक सो कितने किलोमीटर है, पीसफुल वॉइस विथ हाइड एंड सीक बिस्किट। सो गाइस पब्लिक यहाँ पे, तो सोचा थोड़ा मोर का आवाज करते सबको लगेगा कि मोर आए यहाँ पे। देखो चिक्कड़े बट पॉजिटिव वाइब और नेचर फुल काफी नेक्स्ट लेवल। देखो ये पूरी चावल की फार्मिंग है गाइस, जिधर ज्यादा बारिश होता है वहां पे चावल की फार्मिंग मोस्ट ऑफ द होती है पूरे चिक्कड़ में। गाइस देखो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से,
फुल ऑफ रोडिंग हो रही है। सो गाइस देखो यहाँ पे हमको दो ब्लॉगर मिले। सो गाइस एक फ्रेम में तो कितने सारे 1 2 3 4 5 6 पूरा खुला एरिया है गाइस। आओ चलो भागो फिर। पानी की तो फुल आवाज आ रही है जोरों शोरों से। अभी इतना एफर्ट करके ऊपर आए तो थोड़ा आगे जाना है। और गाइस फाइनली 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 वी आर हियर इन हेवन। फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। और रास्ते से ऐसा लगा नहीं कि काफी पब्लिक होगा बट यहाँ पब्लिक काफी ज्यादा है। ये है केरवली वॉटरफॉल। भाग गाइस नेक्स्ट लेवल व्यू। क्राउड काफी ज्यादा है आप यहाँ के वाइब से पहचान सकते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ है का व्यू है। स्पॉट देखते हैं मैगी बनाने के लिए। अभी यहाँ पे हम रुके थे मैगी बनाने के लिए एंड एक प्रॉपर हमको स्पॉट मिला है। यहाँ पे अंकल थे, एक अंकल ने हमको स्पॉट दिया, मतलब बोले कि यहाँ पे मैगी बनाओ। यहाँ पे हम मैगी बनाएंगे और खाएंगे, काफी मजा आएगा। कुछ तैयारी चल रही है अभी, कुछ देसी स्टाइल बना रहे मैगी गाइस। और लिटरली अभी ठंडी बहुत है अभी पूरा काफ है। दोन लकड़ी लगाने का कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गाइस काफी टाइम बाद मैगी बन रही है अभी, पर सब सूखी मैगी खा रहे हैं मसाले के साथ। गरीब हम गरीब है गाइस। थोड़ा कच्ची मैगी और मसाला खाने का मजा है ना। ओहो हो हां बस तो थोड़ी बहुत मैगी पकी पकी ली। फाइनली मैगी इज रेडी। सो गाइस देखो ये काका है, हमको इन्होंने बहुत हेल्प किया, थैंक यू काका। तुमसे नाम क्या काका? ओके वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल फुल देसी स्टाइल। सो गाइस फर्स्ट मैगी खत्म हो गई और थोड़ी मैगी बाकी है तो वापस बना रहे। सो गाइस यहाँ पे जो हम रुके थे जिनका जो घर है उन्होंने हम कुछ खाने के लिए दिया। यहाँ पे अभी एक जवार की रोटी, बटाटे की भाजी, मिर्च का ठेचा और बड़ी, काफी नेक्स्ट लेवल टेस्टी है। सो फाइनली सब खा के सब यहाँ के लोग यहाँ पे बैठे थे हमेशा। और एक कुछ छोटा सा गांव है, बेचारे ने हमको काफ़ी काफ़ी गाइस काफ़ी मदद की, खाने के लिए दिया, मेन जगह दी और काफ़ी मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया क्योंकि अभी टाइम अभी बज रहे 7। सो ये उनको कुछ ऐसा घर है यहाँ से। अब अभी हमको देखो घर में बुला रहे हैं हमको। काका थैंक यू काका, हाँ खूब मदद के लिए, घर में बोला रहे गाइस।
डिलेन घेतलेलं पुरत नाही गाइस, काफी डाउन टू मतलब काफी अच्छे दिल से इतना हमको मदद की, तो होपफुली गाइस आप सबको लगा अच्छा, तो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ चला बाबा मस्त होता, रोटी रोटी मस्त होती। चला यू का या परत आला होता, माझी गाठ घ्यायला इथं आम्हाला का नाही, पहिले जाताना आम्हाला गाठ आमची गाठ घ्या, पाहिजे तर तुम्हाला चटणी भाकरी मी देईन खायला, चालेल का? हो चालेल, तसं काय नाही आपलं खायचं, जे भेटलं आपण ते खातो। होपफुली गाइस आप सबको अच्छा, तो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे क्रेजी क्रेजी ब्लॉग के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और आपको वाटरफॉल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।